आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजकुंड मेले का नाम आते ही जहन में अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आता है, जो पिछले काफी समय से सूरजकुंड की वादियों में लग रहा है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार फरीदाबाद में सूरजकुंड दीपावली मेले का उद्घाटन किया गया। 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान मेला पूरी तरीके से भवरा रंग का होता हुआ दिखाई दिया। 3 नवंबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में आने वाले लोगों के लिए स्वादिष्ट स्टॉल, कल्चरल कार्यक्रम, फूड बाजार, झूले और तमाम तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। आयोजन यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज से पहले हैंडीक्राफ्ट के मेले के रूप में इस मेले ने देश में नहीं पूरी दुनिया में एक ख्याति प्राप्त की है और पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान बन चुकी है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें एक फैसला लिया गया था कि यहां कुछ और कार्यक्रम भी हमें शुरू करने चाहिए। लोगों की जो एक आदत होती है कहीं जाने की ना, तो उस प्रकार का एक आदत है यहां आने की। उस मेले की वजह से एक लोगों का मन होता है कि चलो वहां चलेंगे, अगर कोई कार्यक्रम है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, इस प्रकार का उन्हें अच्छा लगता है आने, तो उसका भी लाभ उठना चाहिए और कोई नई चीज भी प्रस्तुत होनी चाहिए। तो उसमें आज का जो मेला है वो एक फाइनल हुआ था कि दीपावली के अवसर पर हमें एक दीपोत्सव के नाम से एक यहां पर शुरुआत करें और आज मुझे बेहद खुशी है कि इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। मैं इसकी सफलता की पूरी कामना करता हूं और हम जो पहला हमारा मेला है उसमें हम जितने लोग अप्लाई हमारे पास करते हैं उन सबको ना तो हम कलाकारों को मौका दे सकते हैं और ना ही जो लोग अपना प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं ना ही उन सब लोगों को मौका हम दे सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो यहां अपना प्रोडक्ट की प्रस्तुति करना या उसको सेल करना चाहते हैं या कलाकार यहां अपनी कला की प्रस्तुति देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक मेले की और जैसे आज शुरुआत की और आने वाले टाइम में हमारा विचार है एक और शुरू करने की, तो मैं समझता हूं काफी लोगों को हम अवसर देने में सफल होंगे कि उनको